हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ होंडा के शोरूम में, जो कि लालबाग में है। आप सामने देखेंगे यहाँ पर जो है नॉवल्टी का सिनेमा हॉल है, ये चौराहा है यहाँ पर। और ये सामने जो है बी एस पाठक जी के द्वारा बनाया हुआ रैन बसेरा है। जस्ट इसके जो है सामने आप देखेंगे होंडा का शोरूम आपको मिलेगा, और इसके बगल में एथर का भी शोरूम है। तो यहाँ पर मैं आज इन्वाइटेड हूँ, मुझे बुलाया गया है। यहाँ पर जो है होंडा की एलिवेट गाड़ी आज लॉन्च हो रही है। ये कार लॉन्च हो गई है, और मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये इसमें एक आपको कुछ ऑरेंज कलर मिल जाएगा, और सामने खड़ी है ब्लू में। और ये इसके इसके व्हील देखिए आप, कितने प्यारे हैं। फ्रंट से कुछ ऐसे दिखती है। इसकी लाइट देखिए कितनी अच्छी, इसकी DRL लाइट है, सही इंडिकेटर है, और ये DRL भी है। तो इसमें जो है आपको मिल जाता है LED लाइट, हैलोजन भी है इसमें। नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप। क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्रोम है। और ये इसका जो ग्रिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइबर का ही है। यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्या बंद है थोड़ा सा। और यहाँ पर ये साइड में आपको क्रोम दिख जाता है। आगे का जो इसका लुक है वो मस्कुलर टाइप का है, बिल्कुल ब्रॉड आप देख रहे हैं। और ये और इसका इंडिकेटर मुझे काफ़ी प्यारा लगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। इसके फॉग लैम्प भी ठीक ही है, और इसमें भी क्रोम का यूज़ किया गया है। साइड में ये भी आपको फाइबर बॉडी मिल जाती है। और इसके अलॉय व्हील है एज यूजुअल, इसमें दो वाइपर मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पर जो इसका ORVM है, इसमें आप देखेंगे इसमें भी आपको इंडिकेटर मिलता है, और ये मिरर है, और ये क्रोम इसके हैंडल जो है क्रोम लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है आपको डोर पे भी एक सेफ्टी फीचर ऐसा मिल जाता है, यहाँ पर भी जो है लगा हुआ है। ये क्रोम का यूज़ नहीं किया हुआ है, जस्ट लाइक फाइबर का ये। और यहाँ पर भी आपको ये मिल जाता है। अंदर की अगर बात करें तो पूरा जो है आपको लेदर यहाँ पर मिल जाता है, पूरा लेदर फिनिश है, ये लेदर में है। यहाँ पर AC बिल्ड मिल जाता है आपको। और ये इसका जो है टच स्क्रीन पैनल है, ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर भी आपको दो आपको मिल जाते हैं वेंट, AC वेंट। और यहाँ पर आपको जो है मैनुअल है, ये गियर में है। और आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है USB पोर्ट मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट मिलता है, कुछ आप यहाँ भी अपना फ़ोन रख सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर हैंड रेस्ट मिल जाता है, ये ओपन होता है कि नहीं, ये ओपन हो जाता है, इसमें भी आप कुछ रख सकते हैं। और कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, हेड रेस्ट भी आपको मिल जाता है। और सब वो बॉक्स देखते हैं ठीक ठाक है, कुछ खास ज़्यादा स्पेस है नहीं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी है जो है मैट फिनिश दी गई है। यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको जो है SRS का आपको एयरबैग मिल जाता है। यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको ये हैंडल एक तरह से काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अच्छा ग्रिप दिया हुआ है पकड़ने के लिए। यहाँ पर एक बॉटल आ जाएगी और सामान आ जाएगा। और पीछे की अगर बात करें तो पीछे जो है लेग रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें भी आपको कुछ सामान रखने के मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो AC बिल्ड मिल जाते हैं, और नीचे आपको जो है 12 वोल्ट का आपको जो है एक पावर आउटलेट मिल जाता है, आप फोन चार्ज कर सकते हैं। और डोर सीम एज यूजुअल जैसे फ्रंट वाला है सीम, उसमें इसमें भी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, और सीट बेल्ट मिल जाता है। पीछे जो है अगर आप देखेंगे तो पीछे काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप ऊपर भी लगेज रख सकते हैं काफ़ी। और इसमें आप सनरूफ भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर पीछे आपको एक लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर भी आपको हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर एक वहाँ पर चारों तरफ इसका हैंडल है। मोस्टली जो है ड्राइवर सीट के बगल में नहीं होता है, बट वहाँ भी लगा हुआ है। तो ये हो गई पीछे की बात।
पीछे से अगर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे क्रोम यूज किया गया, क्रोम काफी ज्यादा यूज किया गया गाड़ी में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कर्व दिया है। इसका टेल लैंप है वो भी काफी अच्छा है, इसमें DRL है और इसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर चल रहा हुआ है। ये आपका बैकलाइट है। एलिवेट की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और एज यूजल आपको यहाँ पर काफी ज्यादा फाइबर का यूज किया गया कि अगर आपका साइड से गाड़ी अगर टच होती है तो स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे आपके। नीचे से मैं दिखा दूँ आपको, ये यहाँ भी क्रोम का यूज किया है इसके, जहाँ पर इसका साइलेंसर लगा हुआ है। पीछे होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है बैजिंग, और यहीं पर आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है और आपको ब्रेक लाइट मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ भी आपके सेंसर लगे हुए हैं, और सॉरी ये सेंसर नहीं है यहाँ पर, आई थिंक ये आपका जो है वाइपर के लिए जो पानी आता है वो इसका पॉइंट दिया हुआ है, और ये वाइपर आपको पीछे मिल जाता है। और शार्क टेल आपको इसमें दी हुई है, बताएंगे शार्क टेल दी हुई है। यहाँ पर जो है आईविटेक का भी आपको यहाँ पर जो है बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर अभी आपको एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है एज यूजुअल, जहाँ उधर भी रिफ्लेक्टर आपको मिला हुआ है। तो गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाड़ी आपको कैसी लग रही है। और उसके व्हील अलॉय व्हील हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ब्रिज स्टोन किसके जो है व्हील है। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंट में आपको एसी मिल जाता है और बटन के थ्रू ये गाड़ी स्टार्ट होती है। और यहाँ पर भी आपको एसी मिल जाता है जिसका क्लस्टर है, डिजिटल है पूरा, और इसका ये पावर स्टीयरिंग है, इससे पूरा जो है मल्टीमीडिया आपको मिल जाती है। ये टॉप मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ, वो सेकंड टॉप मॉडल है। और नीचे की अगर बात करें तो आपको इसमें एज यूजल आपको जो है एक ब्रेक पैडल और एक आपको गियर पैडल और एक ब्रेक पैडल मिल जाता है, एक्सेलेटर पैडल। और यहाँ भी लेगरूम काफ़ी अच्छा है, और इस गाड़ी को भी आप जो है ऊपर नीचे और आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है मिरर मिल जाता है इसमें, और यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं। सनरूफ में आपको दिखा देता हूँ, सनरूफ कुछ ऐसा खुलता है इसका, कुछ इस तरह से। और अगर ड्राइवर सीट की तरफ की गेट की बात करें तो यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है आपको, सिंपल गेट लॉक अनलॉक के लिए आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है चारों जो इसके पावर विंडोज़ के हैं जो आपके कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आपकी जो इसके मिरर है उसको भी लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ से ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से इंडिकेटर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ भी सेम एज यूजुअल आपको एक बॉटल रखने की कुछ जगह रहेंगी, पूरी फिनिशिंग लेदर की दी गई है और डुअल टोन में है। ये आप अंदर देखेंगे कि ये डुअल टोन कलर में है पूरा अंदर का इंटीरियर इसका। और हेडरेस्ट जो है चारों सीट में दिए हुए हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी। तो अगर आपको गाड़ी बुक करनी होगी तो आप स्टोर पे आ सकते हैं, मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा और लोकेशन शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम 1000 लाइक तो कर ही दीजिएगा, अगर नया चैनल है तो सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।